हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक मैथ्स अड्डा। स्टूडेंट्स, इंटीग्रल कैलकुलस बीएससी फर्स्ट ईयर में मैंने आपको इससे पहले वीडियो में इनडिटरमिनेट फॉर्म की फॉर्म्स बताई थी कि 7 फॉर्म्स होती हैं, और उसमें जो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी 0/0 की फॉर्म की लिमिट है या ∞/∞ की फॉर्म की लिमिट है, इन दोनों फॉर्म्स में आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, एल हॉस्पिटल रूल या एल हॉस्पिटल रूल। और ये रूल क्या था कि इफ लिमिट एक्स टेंड्स टू ए फाई एक्स अपॉन साई एक्स, अगर लिमिट लगाने के बाद ये दोनों या तो 0/0 बनने चाहिए या फिर ∞/∞ बनने चाहिए, अगर इन दोनों में से कोई भी फॉर्म आ रही है तो फॉर्मूला क्या था, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, आप फाई को भी डिफ्रेंशिएट कर लें और साई को भी डिफ्रेंशिएट कर लें। अगर ये फिर से इसी फॉर्म का आता है, फिर से डिफ्रेंशिएट किया था हमने, तो तब तक ये डिफ्रेंशिएशन करना है जब तक इन दोनों फॉर्म से वो फॉर्म हट ना जाए। तो आज हम जो नेक्स्ट फॉर्म पढ़ रहे हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म में, वो अगली फॉर्म है ∞-∞ की। इसमें आप देखें लिमिट x टेंड्स टू 1 अपॉन log x माइनस x अपॉन log x। log 1 क्या होता है, 0, और 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी। ये 1/0 फिर से इन्फिनिटी, ∞-∞ की फॉर्म आ गई। तो इसमें हम डायरेक्टली एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, इसमें पहले एलसीएम लेते हैं। हमारा मेन टारगेट ये रहेगा इस टाइप के क्वेश्चंस में कि या तो हम फ्रैक्शन को ऐसा फ्रैक्शन बना दें कि हमें लिमिट डायरेक्टली मिल जाए, या फिर इसको सिंप्लीफाई करके हमको इन दोनों फॉर्म में से कोई एक फॉर्म बनानी होगी। तो लॉग एक्स इसका एलसीएम हो गया 1-x। अब हम देखते हैं अगर इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1-1 जीरो, और लॉग 1 क्या होता है, 0, तो ये कौन सी फॉर्म आ गई, 0/0 की फॉर्म। और जैसे ही 0/0 की फॉर्म आती है, तो मैंने आपको बताया था 0/0 फॉर्म या ∞/∞ फॉर्म में हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अब हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, x का 1, और log x का क्या हो जाएगा, 1/x, यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1, ये x ऊपर चला जाएगा, माइनस x। अब लिमिट अप्लाई करते हैं तो आंसर कितना आ जाएगा, -1। तो आपको क्या करना है, ∞-∞ की फॉर्म में उसको सिंप्लीफाई करके या तो 0/0 फॉर्म बनाना है या फिर ∞/∞ फॉर्म बनाना है, ताकि हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकें और हम उससे डायरेक्टली लिमिट की वैल्यू निकाल सकें। इसी फॉर्म का अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। अगर आप इसमें 0 लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1/e^0, 1-1 0, और 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, -1/0 इन्फिनिटी। ∞-∞ की फॉर्म है, तो फिर से आपको क्या करना है, इन दोनों में से कोई एक फॉर्म बनाने है। इसमें x टेंड्स टू 0, इसका एलसीएम ले लेते हैं, x e^x-1, यहाँ क्या आ जाएगा, x-e^x-1। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, x-e^x+1 अपौन x e^x-x। अब लिमिट अप्लाई करते हैं 0, और ये -1 + 1, 0, और नीचे भी 0, 0/0 की फॉर्म आ गई। और 0/0 की फॉर्म में एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर लेते हैं, तो x का डिफ्रेंशिएशन 1, e^x का e^x, और 1 का 0। इसमें मल्टीप्लिकेशन वाला फॉर्मूला, x का 1 e^x, फिर x ऐसे रहेगा e^x का e^x, और -1। हमने कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया, एल हॉस्पिटल रूल, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब लिमिट अप्लाई करते हैं, 1 e^0, 1 1-1 0, e^0 1 1-1 0, और ये फिर से 0/0 की फॉर्म आ रही है, और 0/0 की फॉर्म आ रही है तो फिर से एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 का 0, e^x का e^x, e^x का e^x। इसमें फिर से फॉर्मूला, x का 1 e^x, e^x, x ऐसे रहेगा, और 1 का 0 हो गया। अब फिर से लिमिट अप्लाई करते हैं, e^0 1 e^0 1 e^0 1, और लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, 0, तो कितना आ गया, -1/2। तो -1/2 इसका आंसर हो जाएगा। अगला न्यूमेरिकल, 1/0 इन्फिनिटी, और 1/0 इन्फिनिटी, ∞-∞ की फॉर्म। तो एलसीएम लेते हैं, इसमें लिमिट x टेंड्स टू 0, एलसीएम हो जाएगा x² sin² x, और यहाँ आ जाएगा sin² x - x²
अब ये आ रही है साइन जीरो जीरो, जीरो माइनस जीरो जीरो, जीरो अपॉन जीरो की फॉर्म। जीरो अपॉन जीरो की फॉर्म तो हमने कन्वर्ट कर दी, एल हॉस्पिटल रूल लगा भी सकते हैं, लेकिन क्या होगा इसमें साइन स्क्वायर एक्स, एक्स स्क्वायर से साइन स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म जो है वो डिफ्रेंशिएशन के बाद बढ़ते जाते हैं, और ऐसे यहाँ भी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म बढ़ते जाएंगे। तो बार बार हमको इसमें एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करना पड़ेगा, और बार बार अप्लाई करने के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। तो हम क्या करते हैं इसमें एक्सपेंशन लगा देते हैं, एक्सपेंशन लगाते हैं। साइन एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल, एक्स टू द पावर फाइव अपॉन फाइव फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ये साइन एक्स का एक्सपेंशन होता है, तो इसमें एक्सपेंशन यूज़ करते हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, एल हॉस्पिटल रूल भी अप्लाई कर सकते हैं लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। इससे कॉम्प्लिकेटेड ना बनाने के लिए हमने सीधे सीधे एक्सपेंशन का यूज़ कर रहे हैं हम इसमें। साइन स्क्वायर एक्स है तो साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे आ जाएगा एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल, एक्स टू द पावर फाइव अपॉन फाइव फैक्टोरियल एंड सो ऑन। और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर माइनस का क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे आ जाएगा एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल, एक्स की पावर फाइव अपॉन फाइव फैक्टोरियल एंड सो ऑन का स्क्वायर। अब आप देखिए, आपने ए प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पढ़ा है, तो ए प्लस बी प्लस सी एंड सो ऑन कितने भी टर्म्स का स्क्वायर अगर हम निकालते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा आप, अगर आप कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस तीन से ज़्यादा अगर टर्म्स हैं, तो इस फॉर्मूले को याद करने का तरीका क्या रहता है, हर एक टर्म का पहले स्क्वायर आता है, जितने भी टर्म है सबका स्क्वायर आएगा, फिर आएगा 2ab वाला टर्म, 2ab 2bc 2ca इस तरीके से आएंगे टर्म्स। तो ये याद करने का तरीका है इसका, तो क्योंकि इतना बड़ा फॉर्मूला याद करना पॉसिबल नहीं है, या तो हम बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाएं, तो इसमें भी बहुत सारे टर्म्स आ रहे हैं, तो बहुत सारे टर्म्स अगर आ रहे हैं तो पहला टर्म क्या आएगा, एक्स का स्क्वायर ए स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर, वो फिलहाल मैं नहीं लिख रहा हूँ। फिर क्या आएगा, 2ab वाला टर्म, क्योंकि एक माइनस में है तो माइनस का 2 इंटू एक्स इंटू एक्स क्यूब, एक्स की पावर 4 अपॉन 3 फैक्टोरियल, ये वाला टर्म आएगा एंड सो ऑन। तो इसको मैं लिख ले रहा हूँ, प्लस अदर हायर पावर्स ऑफ एक्स। क्या किया हमने, इस पर फॉर्मूला अप्लाई किया है, और फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद, फॉर्मूला अप्लाई करने का तरीका क्या है, हर एक टर्म का स्क्वायर आएगा पहले, फिर 2ab वाले टर्म्स आएंगे, 2ab 2bc 2ca इस तरीके से। तो हमने कौन सा टर्म लिखा, ए स्क्वायर, बाकी टर्म्स जो जिनके स्क्वायर वाले टर्म थे वो हटा दिए, और 2ab वाला टर्म लिखा हुआ है, बाकी टर्म्स मैंने ऐसे लिख दिए, और लास्ट टर्म क्या था, माइनस का एक्स स्क्वायर। अभी आपको समझ में आया कि मैंने यही दो टर्म क्यों लिखे, उसके बाद वाले टर्म क्यों नहीं लिखे। और एक्स स्क्वायर, इसमें भी पहला टर्म क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, फिर क्या आएगा, 2ab वाला टर्म, बाकी टर्म्स नहीं लिख रहा हूँ मैं, माइनस 2x4 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस अदर हायर पावर्स, पावर्स ऑफ x। अब इसमें क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए मैंने इसमें एक्स स्क्वायर लिखा है। इसके बाद आगे देखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू जीरो, यहाँ पे भी लिमिट x टेंड्स टू जीरो आएगा। इसमें आप देखेंगे तो पहला टर्म क्या है, माइनस 2x4 अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, बाकी अदर हायर पावर्स हैं, और अपॉन में क्या है, x4 आएगा पहला टर्म, फिर माइनस 2 बाई 3 फैक्टोरियल x टू द पावर 6 एंड सो ऑन, अदर हायर पावर्स। अब आप इसमें देखेंगे तो इसके आगे जितने भी x की पावर्स आएंगी वो मोर देन 4 पावर होगी, और यहाँ भी जितने आगे की पावर्स हैं वो मोर देन 4 पावर आ रही है, तो x की पावर 4 एटलीस्ट x की पावर 4 हम कॉमन ले सकते हैं, ऊपर भी और नीचे भी। तो x की पावर 4 हमने यहाँ से भी कॉमन ले लिया, यहाँ से भी कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा, माइनस 2 बाई 3 फैक्टोरियल एंड अदर हायर पावर्स ऑफ x अपॉन, यहाँ क्या बचेगा, 1 माइनस 2 बाई 3 फैक्टोरियल, x की पावर 6 से हम x की पावर 4 कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर बचेगा एंड अदर हायर पावर्स। ये सबसे मेन स्टेप है कि हमने इसमें x की पावर 4 कॉमन क्यों लिया, क्योंकि सबसे छोटी पावर x की पावर 4 है दोनों में, तो x की पावर 4 कॉमन लिया, तो इसके आगे जितने भी टर्म्स हैं x की पावर 4 कॉमन लेने के बाद भी इसमें x बचेगा, और यहाँ भी x बच रहा है, तो लिमिट अप्लाई करेंगे तो इसके बाद के सारे टर्म्स जीरो हो जाएंगे, और इसके बाद के सारे टर्म्स यहाँ भी जीरो हो जाएंगे, तो कितना बच रहा है, सिर्फ 2 बाई 3 फैक्टोरियल यहाँ और यहाँ 1, तो 3 फैक्टोरियल कितना होता है, 6, तो ये कितना हो जाएगा,
नीचे तो 1 है, माइनस 2 बाई 6, और माइनस 2 बाई 6 का मतलब माइनस 1 बाय 3, तो माइनस 1 बाई 3 इसका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन था जिसको हमने एल हॉस्पिटल से नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि एल हॉस्पिटल से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है, तो हमने इसमें एक्सपेंशन का यूज़ किया। एक्सपेंशन साइन एक्स का बताया मैंने आपको, और होल स्क्वायर को कैसे एक्सपेंड करना ये भी बताया। तो आइए स्टूडेंट्स, अब इसके बाद अगली फॉर्म देखते हैं इंडिटरमिनेट फॉर्म की। अगली फॉर्म क्या है? जीरो इंटू इन्फिनिटी की फॉर्म। तो मैंने कौन कौन से फॉर्म बता दिए? जीरो अपॉन जीरो, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, और इसके बाद हमने कौन सी फॉर्म पढ़ी? इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। नेक्स्ट फॉर्म है जीरो इंटू इन्फिनिटी, इसमें देखते हैं। अगर जीरो अप्लाई करेंगे इसमें लिमिट, तो पहले टर्म जीरो, और साइन जीरो जीरो, और लॉग जीरो क्या होता है? इन्फिनिटी हो जाएगा माइनस का। तो जीरो इंटू इन्फिनिटी की फॉर्म आ रही है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम कोशिश यही करेंगे कि फिर से इन दोनों में से कोई एक फॉर्म बन जाए। तो लॉग साइन एक्स, और इस एक्स को हम लिख सकते हैं वन अपॉन एक्स। ऐसा क्यों लिखा? देखिए, आप लिमिट अगर अप्लाई करेंगे तो जीरो, साइन जीरो जीरो, और लॉग जीरो इन्फिनिटी हो गया माइनस का, और वन अपॉन जीरो क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। तो कौन सी फॉर्म आ गई? इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की फॉर्म आती है तो हम फिर से एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो लॉग साइन एक्स का वन अपॉन साइन एक्स डिफ्रेंशिएशन, और साइन एक्स का कॉस एक्स, और वन अपॉन एक्स का माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया हमने? एल हॉस्पिटल। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूं। एक्स स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, और नीचे आ जाएगा साइन एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो। फिर से लिमिट अप्लाई करते हैं, कॉस जीरो वन इंटू जीरो अपॉन जीरो, जीरो अपॉन जीरो की फॉर्म, और जीरो अपॉन जीरो की फॉर्म में फिर से एल हॉस्पिटल रूल। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, एक्स स्क्वायर का टू एक्स कॉस एक्स, फिर कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर साइन एक्स अपॉन साइन एक्स का क्या हो जाएगा? कॉस एक्स। अब लिमिट अप्लाई करते हैं, ये जीरो और कॉस जीरो वन, तो पहले टर्म जीरो, दूसरा टर्म भी जीरो, और नीचे क्या आ रहा है? कॉस जीरो वन, जीरो अपॉन वन क्या हो जाएगा? जीरो। तो इस फंक्शन की लिमिट क्या हो जाएगी? जीरो पे जीरो। देखते हैं अगला न्यूमेरिकल इसी फॉर्म का। जीरो पे इसकी लिमिट ये जीरो हो जाएगा, और एम और एन इसमें जो है जीरो से बड़े हैं, पॉजिटिव हैं, और लॉग जीरो क्या होता है? इन्फिनिटी। तो जीरो इंटू इन्फिनिटी की फॉर्म आ गई। क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, और कुछ एग्ज़ाम्स में पहले पूछा भी गया है, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोसीजर वही रहेगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, लॉग एक्स की पावर एन अपॉन क्या हो जाएगा? एक्स की पावर माइनस एम। क्यों किया ऐसा हमने? क्योंकि अगर आप लिमिट अप्लाई करोगे तो लॉग जीरो इन्फिनिटी, माइनस का इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, क्योंकि एक्स की पावर माइनस एम है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। एक्स की पावर माइनस एम का मतलब हो गया वन अपॉन एक्स की पावर एम हो गया। अब ये भी इन्फिनिटी और इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की फॉर्म आ गई। एल हॉस्पिटल रूल, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? एन लॉग एक्स की पावर एन माइनस वन, और लॉग एक्स का क्या हो जाएगा? वन अपॉन एक्स, और एक्स की पावर माइनस एम का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? माइनस एम एक्स की पावर माइनस एम माइनस वन। ध्यान से देखिएगा इस न्यूमेरिकल को। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एन अपॉन एम, और लॉग एक्स की पावर एन माइनस वन, और एक एक्स की पावर नीचे आएगी यहाँ पे, तो ये मल्टीप्लाई होकर के एक्स की पावर माइनस एम माइनस वन तो पहले से, और ये एक्स की पावर इसमें मल्टीप्लाई होगी तो प्लस वन हो जाएगा, और एक माइनस का साइन भी है, तो ये क्या हो जाएगा? लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, माइनस वन को मैं माइनस वन लिख सकता हूँ, एन अपॉन एम लॉग एक्स की पावर एन माइनस वन, और अपॉन में क्या आ जाएगा? ये वन से वन कैंसिल हो जाएगा, फिर से एक्स की पावर क्या आ गई? माइनस एम। फिर से लिमिट अप्लाई करो, लॉग जीरो माइनस इन्फिनिटी, और ये वन अपॉन एक्स बनेगा, वन अपॉन एक्स की पावर एम, तो ये भी इन्फिनिटी, तो फिर से इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की फॉर्म बन रही है। तो एल हॉस्पिटल रूल फिर से अप्लाई करते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? अब एक एन माइनस वन आएगा, और लॉग एक्स की पावर एन माइनस वन माइनस वन, यानी कि एन माइनस टू, फिर लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा? वन अपॉन एक्स अपॉन एम, माइनस एम फिर से आएगा, एक्स की पावर माइनस एम माइनस वन, और ये हो गया माइनस वन, एक पहले से था। तो अब क्या होगा? लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, माइनस वन एक है, एक माइनस का साइन और आ रहा है यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा? माइनस वन का स्क्वायर एन एन माइनस वन, और अपॉन में क्या हो जाएगा? एम का स्क्वायर, और ये हो जाएगा लॉग एक्स की पावर एन माइनस टू अपॉन एक एक्स फिर से आएगा, तो ये फिर से एक्स की पावर माइनस एम बनेगा, और ये फिर से कौन सी फॉर्म बन गई? इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। तो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है? बार बार इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है।
तो हम यही प्रोसेस कब तक सॉल्व करते रहेंगे? आप इसको ध्यान से देखिए, हमने पहली बार में एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई किया तो यहाँ माइनस वन आ रहा है, एक्स की पावर माइनस हम ऐसे रह रहा है। तो अगर मैं इसको बार बार डिफ्रेंशिएट करूँ और एन टाइम्स डिफ्रेंशिएशन इसका करेंगे तो एन टाइम्स डिफ्रेंशिएशन पे ये क्या बन जाएगा? देखो दूसरी बार में डिफ्रेंशिएशन पे क्या बन रहा है, एन माइनस टू, तो एन टाइम्स करने पे क्या हो जाएगा, एन माइनस एन, और एन माइनस एन का मतलब जीरो, तो उस केस में लॉग एक्स की पावर जीरो यानी कि वन बन जाएगा। तो ये प्रोसेस हम कब तक फॉलो करेंगे? यूजिंग दिस प्रोसेस अप टू एन टाइम्स। एन टाइम्स कहने का मतलब यह है कि दो बार तो हम कर चुके हैं, अब एन टाइम्स हम टोटल करेंगे, या हम कह सकते हैं कि एन माइनस टू टाइम्स, या इस प्रोसेस को हम स्टार्टिंग से, आप ये मत समझिएगा कि इसके बाद एन टाइम्स, एन टाइम्स हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। तो इसको अगर हम एन टाइम्स डिफ्रेंशिएट करते रहेंगे तो आप देखिए क्या आएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस वन की पावर, दूसरी बार एल हॉस्पिटल लगाने पे माइनस वन की पावर टू आ रहा था, तो एन टाइम्स लगाने पे माइनस वन की पावर एन, और ये क्या आएगा, एन एन माइनस वन, अगली बार में एन माइनस टू, अगली बार में एन माइनस थ्री, ऐसे करके कम होते होते कहाँ तक जाएगा, वन अपॉन एम की पावर कितनी आनी चाहिए, पहली बार में एम की पावर वन, दूसरी बार में टू, एन टाइम्स में क्या आ जाएगा, एम की पावर एन, और लॉग एक्स की पावर एन माइनस एन हो जाएगा, और एक्स की पावर माइनस एम ऐसे ही रहेगा। तो अब आगे देखिए, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, ये वन टू थ्री अप टू एन, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, एन फैक्टोरियल का, तो ये हो गया माइनस वन की पावर एन, और ये हो गया एन फैक्टोरियल अपॉन एम की पावर एन, लॉग एक्स की पावर एन माइनस वन यानी कि जीरो हो गया, और लॉग एक्स की पावर जीरो वन, और इसके एक्स की पावर माइनस एन, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए ऊपर ले जाते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस वन की पावर एन, एन फैक्टोरियल अपॉन एम की पावर एन, और ये हो जाएगा एक्स की पावर एम, लिमिट अप्लाई करते हैं तो माइनस वन की पावर एन, एन फैक्टोरियल, आप देखिए लिमिट अप्लाई करने के बाद क्या होगा, ये टर्म्स ऐसे रहेंगे, और इसके एक्स की पावर मतलब एक्स की लिमिट अगर जीरो अप्लाई करेंगे तो इनटू जीरो, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, जीरो। तो इस फंक्शन की लिमिट क्या हो जाएगी, जीरो पे जीरो। तो स्टूडेंट्स टोटल कितनी फॉर्म्स हमने अभी तक पढ़ ली हैं, पहली फॉर्म जीरो अपॉन जीरो, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, और जीरो इंटू इन्फिनिटी। तो टोटल सेवन फॉर्म्स में से फोर फॉर्म्स हमने पढ़ लिए, तो बची हुई तीन फॉर्म्स, जितनी फॉर्म्स बची हुई हैं उसका कंबाइंड वीडियो नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगा, जिसमें हम बची हुई तीनों फॉर्म्स कर लेंगे, और ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म वाला जो चैप्टर है वो कम्प्लीट हो जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। तो इसके अगले जो तीन फॉर्म्स बची हुई हैं उन फॉर्म्स के लिए बने रहिए हमारे साथ, और जो फॉर्म्स मैंने आज ये दो फॉर्म्स करवाई हैं इन फॉर्म्स पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स मैं आपको दे रहा हूँ, और उनके आंसर भी उनके सामने मेंशन मैंने कर दिए हैं, तो आंसर भी आप टैली कर सकते हैं अपने सॉल्यूशन से। तो पहला क्वेश्चन, ये दोनों फॉर्म में से कोई ना कोई एक फॉर्म आपको इन सब क्वेश्चन में मिलेंगी, और प्रोसेस आपको वही फॉलो करनी है, या तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करिए, या इस फॉर्म में कन्वर्ट करिए, फिर एल हॉस्पिटल रूल लगाइए, या फिर आप एक्सपेंशन का यूज़ करिए, आपको इजीली इसके आंसर मिल जाएंगे। और इसका जो पुराना वीडियो है अगर वो आप देखना चाहें तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, तो आप उसमें से उस वीडियो को देख सकते हैं।